तो लखनऊ वर्सेस आरसीबी का मुकाबला और लखनऊ में मैच खेला गया और काफ़ी लो स्कोरिंग ये मैच रहा और हाई वॉल्यूम और हाई प्रेशर का मुकाबला देखने को मिला हमें काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला इस मैच में हमें और किंग कोहली का जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो एक जो इमेज आई है उनकी ये पूरे मैच को बयान करती है यहाँ पर और हम देख सकते हैं कि पहले अगर हम मैच की बात करें यहाँ पर तो एक रन यहाँ पर बनाए आर की टीम ने पहले शुरुआती दौर में हम बोल सकते हैं कि जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी काफ़ी अच्छी टिकी की यहाँ पर बट समाव जब उनके विकेट्स फॉल होने लगे यहाँ पे जब गिरने लगे उनके विकेट्स तब आ की टीम मैनेज नहीं कर पाई पे यहाँ पे और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि जब लखनऊ की साइड बैटिंग करने के एल राहुल को यहाँ पे इंजरी होती है वो बैटिंग करने नहीं आते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लखनऊ की ज़्यादा रन नहीं है बना पाती है यहाँ पे और एक के बाद उनके यहाँ पे विकेट गिरना चालू हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लखनऊ की टीम समाव मैनेज नहीं कर पाती यहाँ पर अठारह रन से हमें मैच हार जाती है मैच के दौरान हमको देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ाई यहाँ पे देखने को मिली है लड़ाई इन द सेंस के आप देखेंगे विजुअल्स देखने को मिले हैं उसमें आर्गुमेंट देखने को मिला लड़ी इन द सेंस कि हम बोलेंगे कि इसमें आर्गुमेंट काफी ज़्यादा देखने को मिले हमको दोनों टीमों से और ये जो प्रक्रिया थी हमको देखने को मिली थी जब कर्नाटका में हम बोल सकते हैं चेन्नई स्वामी में जब मैच था आर सी बी वर्ष लखनऊ का तब लखनऊ ने ये मैच हम बोल सकते हैं कि आखिरी बॉल पर एक विकेट यहाँ पे मैच जीता था एक विकेट से और गौतम गंभीर जो जीदी हैं उनके द्वारा यहाँ पे कुछ क्राउड को जो कुछ इशारे किए गए थे जिस तरीके से फिंगर ऑन द लिप्स हम बोल सकते हैं कि उस तरीके से इशारा किया गया था और अब सेम हम देख सकते हैं कि जब विराट कोहली जब फील्ड पर थे उनके द्वारा भी जब विकेट गिर रहे थे यहाँ पे तो उनके द्वारा भी सेम यहाँ पे कुछ इशारे किए गए थे उसके बाद में आर्ग्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है यहाँ पे अगर आप टाइमलाइन देखेंगे इसकी तो पहले हम देख सकते हैं कि नवीन उलक के द्वारा मतलब कि कुछ बोल सकते हैं कि सिराज और उनके बीच में आर्गूमेंट होता है उसके अंदर नवीन उलक और विराट कोहली के बीच में यहाँ पर आर्गूमेंट होता है वो दोनों का आर्गूमेंट इतना बढ़ जाता है फिर उसमें अमित मिश्रा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो सारे आर्ग्यूमेंट देखते हुए जब मैच खत्म हो जाता है तब उसके बाद में उनको देखने को मिलता है कि जब नवीन उलक और जो विराट कोहली जब हाथ मिला रहे होते हैं तो विराट कोहली का हाथ छटक दिया जाता है नवीन उलक के द्वारा और कायल मैच उनसे एक बार बात करने के लिए जाते हैं यहाँ पे बट हम देख रहे हैं कि गंभीर उनको साइड में ले जाते हैं अब ये पूरी टाइमलाइन इसकी यहाँ पर इस तरीके से है अभी जिस तरीके से जो विजुअल देखने को मिले हमें हैं हमें ऑनलाइन उसमें सारी चीज़ें हैं मे भी हो सकता है कि इसमें कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं बट विराट कोहली का अगर हम बोलेंगे तो अग्रेशन की वजह से ही यहाँ पर आर ने मैच जीता है और पूरे टाइम जो फील्ड में जो बीस ओवर जो फील्ड में जो इस तरीके से दिखे विराट कोहली पूरे तरीके से कंट्रोल किया उन्होंने और मैच को मतलब कंट्रोल किया उन्होंने और जिस तरीके से जो उनका एंगर था जो अग्रेशन था वो हमको देखने को मिला और आप मैच में देख रहे हैं कि जिस तरीके से लखनऊ के साइड से भी जो एंगर जो अग्रेशन जब लखनऊ की टीम जब फील्ड पर थी तो वहाँ से भी देखने को मिला अमित मिश्रा की अगर हम बात करें तो अभी मतलब कि टॉप थ्री में अगर हम देखेंगे जो हाएस्ट विकेट टेकर हैं आई पी में उनका नाम आ गया है इसमें बट उनकी साइड से भी हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम जो आर्गुमेंट यहाँ पे देखने को मिले थे विराट कोहली और अमित मिश्रा के द्वारा यहाँ पे और नवीन उलक भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उनके द्वारा भी यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट देखने को मिला और नवीन उलक का जो रवैया था विराट कोहली की तरफ से जो किंग कोहली की तरफ से जो उनका जो रवैया है किंग कोहली को लेकर के वो मतलब काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिला क्योंकि आप देख रहे हैं कि विराट कोहली का अमित मिश्रा को लेकर के जो रवैया था वो मतलब अपने सीनियर को रेस्पेक्ट देने वाली बात है यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट वाली बात है यहाँ पर और अगर आप देखेंगे नवीन उलक का जो किंग कोहली को जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट किया है वो एक चीज़ है यहाँ पर तो जो जो सीनियरिटी है उसको देखना चाहिए हमें बाकी तो मैच में कुछ कुछ चीज़ें जो हटेडअप हो जाती हैं वो ठीक है बट इसी बात में अगर हम देखें जब दोनों ही प्लेयर्स जब हम देखते हैं मैच खत्म होता है दोनों ही टीमें जब हाथ मिला रही होती हैं तो दोनों ही प्लेयर्स ने यहाँ पे हाथ नहीं मिलाया एक दूसरे से और नवीन हक ने एक तरीके से हाथ यहाँ पे छटका हम बोल सकते हैं कि विराट कोहली का उसके बाद में हमको देखने को मिला कि जब काइल मेयर्स जब बात कर रहे थे विराट कोहली को साइड में जाके तब गौतम गंभीर आते हैं उनको हाथ पकड़ के ले जाते हैं उसके बाद में अचानक वापस से ये होता है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में हम देख सकते हैं कि वापस से एक आर्गूमेंट होता है जिसमें विराट कोहली समझाते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो बता रहे हैं कि फील्ड में क्या हुआ और उनके जो प्लेयर हैं उन्होंने किस तरीके से उनके साथ में आर्गूमेंट किया किस तरीके से बाकी चीज़ें घटी है यहाँ पर और उसके बाद में अगर हम देखेंगे मैच के बाद में जब सब चीज़ें खत्म हो जाती है उसके बाद में भी विराट कोहली के राहुल से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं के राहुल से उनके हालचाल भी पूछते हैं वो क्या आई ओके इस तरीके से अगर आप देखेंगे मैच के बाद में के एल राहुल जब नवीन उलक पास करते हैं के राहुल को तो उनसे वो यहाँ पे बोलते हैं कि मतलब आप एक एक मिनट आ जाइए बात कर लीजिए उसमें भी नवीन उल जो है मतलब कि इशारा करके बता देते हैं कि उनकी बात नहीं करनी यहाँ पे किसी भी तरीके से तो नवीन उलक का जो जो रवैया है वो काफ़ी एरोगेंट रवैया उनको देखने को मिला क्योंकि मैच के बाद अगर विराट कोहली को देखेंगे तो वो मतलब शांत हो चुके थे यहाँ पे उनके किसी भी तरीके से उन्होंने मतलब कि किसी भी तरीके से वो किसी भी बाकी चीज़ों में जो इंडर्ज नहीं हुए एक तरीके से हम बोल सकते हैं और कोई ख़राब रवैया मैच के बाद में किसी तरीके से उनके द्वारा नहीं किया गया है कोई एंगर उनके द्वारा यहाँ पर शो नहीं किया गया है और हमको जो देखने को मिला है जो ये सारी चीज़ें चुनाव समय से चालू होती है यहाँ पर जो एंगर इशूज जो क्राउड को जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इशारे करना और इस बाकी चीज़ें थी बट के राहुल को आप देख रहे हैं के राहुल की तो इसमें मतलब कि कुछ भी मतलब कि गलती नहीं है फिर भी जाकर के उन्होंने विराट कोहली से बातचीत करी है इतने काम और कम्पोज लग रहे थे वो यहाँ पर और उन्होंने ही मतलब कि अपने टीम प्लेयर को बोला नवीन उलक को कि आप बात कीजिए कर लीजिए बट उन्होंने यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट दिखाई है ना सिर्फ विराट कोहली को बल्कि अपने कप्तान को भी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट दिखाई है उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक जीत खत्म करनी चाहिए थी वो उन्होंने यहाँ पे खत्म नहीं करिए उसके बाद में विराट कोहली डुप्लेसी और स्टोनिस भी यहाँ पर बात कर रहे होते हैं तो विराट कोहली भी सेम चीज़ उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आगे देखते हैं क्या चीजें इसमें सामने निकल करके आती हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं उस पर हम आगे चल करके बात करेंगे थैंक यू सो मच